हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। बेटा, हमने लास्ट टाइम जो स्टिल लाइफ की थी वो हमने पेंसिल शेडिंग से की थी। इस बार हम स्टिल लाइफ को करेंगे पेन हैचिंग से। पेन हैचिंग क्या होता है? पेन हैचिंग होता है जब लाइनों को हम क्रॉस कर देते हैं और उससे अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इन लाइनों को क्रॉस करते हैं, इनको मिलाते नहीं हैं, मर्ज नहीं करते हैं, जैसे हम शेडिंग में मर्ज कर देते हैं शेड को। सो इसी से हम पूरी स्टिल लाइफ अपनी कवर करते हैं और काफ़ी यूजफुल टेक्निक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। इनमें से मैंने एक ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, आपको ये तीनों ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। और एक ब्लैक पेन लिया है, जेल पेन या बॉल पेन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए एक ही डायरेक्शन में आपको लाइन्स करनी है। शुरुआत में फर्स्ट आपने जैसे एक डायरेक्शन में ली है, लेफ्ट टू राइट, फिर हम इसको क्रॉस लाइन कर देंगे। और शुरुआत में ही आप इसको ज़्यादा डार्क मत करें। आपको अगर लगता है कि ऑब्जेक्ट पे हमें और डार्क शेड देनी है तो आप उसको दोबारा दे सकते हैं। शुरुआत में हम लाइट टू डार्क ही चलेंगे, इसको भी लाइट टोन ही देंगे। हाथ को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज मत करें ताकि पेन राइटिंग की तरह चले। आपको बिल्कुल सॉफ्टली ही यूज करना है, बिकॉज पेंसिल हो या पेन हो बेटा, जब भी हम ड्राइंग करते हैं तो हमारा जो चलाने का तरीका है वो सारा डिपेंड करता है हमारे कैपेसिटी पे, हैंड की, जो हम हाथ पे फोर्स लगाते हैं। अगर हम पेंसिल को या पेन को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली चलाएंगे तो वो उसमें सॉफ्टनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। सो आप अपनी जो बुक है उसमें इसको देख के ही करेंगे। साइड में आप बुक रख लीजिए, आपको पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ पे लाइट टोन डालनी है और कहाँ पे आपको डार्क। हैचिंग में सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको वो ये होता है कि आप अगर कोई लाइन इधर उधर हो भी जाती है तो भी वो ईजिली मर्ज हो जाती है अदर्स लाइन में। शेडिंग में आपको ज़्यादा मर्ज करना पड़ता है। सो आप पहले इसमें डार्क टोन कर लेंगे कंप्लीट, जिस साइड से आपको ज़्यादा डार्केस्ट लग रहा है, और फिर लाइट लाइट लाइंस आप लाइट पोर्शन पे डाल देंगे। हैचिंग करने के लिए आप जब भी खाली टाइम में बैठे हों और आपके पास पेन या पेंसिल कुछ भी हो तो बेटा रब पेज पे अपने हाथ को राउंड राउंड घुमाते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके हाथ में फ्लो आ जाता है। वैसे भी जो आर्टिस्ट हैचिंग करते हैं या जो स्टूडेंट हैचिंग करते हैं उनके हाथ में एक बहुत अच्छा फ्लो आ जाता है, उससे राइटिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और आपकी ड्राइंग तो ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाएगी। बिकॉज जब हम लैंडस्केप या कोई भी चीज़ बनाते हैं ड्राइंग्स में तो उसमें कई बार होता है कि हमें कुछ चीज़ें कर्व करनी पड़ती हैं, तब हम मार खा जाते हैं। हम फिर क्या करते हैं कि अपनी ड्राइंग शीट को अपने अकॉर्डिंग उसको घुमा देते हैं। बट अगर आपके हाथ में फ्लो है तो आप इजीली इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो वो जो फ्लो होता है वो हैचिंग करने से काफ़ी अच्छा आ जाता है हाथ में। वन बाय वन स्टेप अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बेटा इसको करोगे तो आप भी सेम इसी तरह से इसको कंप्लीट कर पाओगे और बहुत इजीली। इस टेक्निक से काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राइंग्स पेंटिंग्स बन जाती हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्टों ने काम किया है हैचिंग टेक्निक से। इजी है, बस इसमें आपको लाइट और डार्क का ध्यान रखना है।
तो बेटा आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये अपनी पेन हैचिंग स्टिक लाइफ कंप्लीट करनी है। और आप बेटा वीडियो नहीं देखते हो शायद, क्योंकि आपका काम मुझे नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अपना काम भी सेंड करो बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप पूरा काम कर रहे हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।